हाथ कहाँ है हमारे? हाथ दोनों उस आकाश की ओर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो। और इस श्रृंखला में मैं दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर निवेदन करूंगा सभी महानुभावों से। हमारे बीच में और भी यहाँ पर हस्तियां जो कार्यक्रम में सहयोग, जिनके मन में भाव है कि सब जुड़े, श्रीमान सीसी डांगी साहब भी हैं यहाँ पर, सौरभ जी बोरा, सतीश जी सुराना जी हैं, एसपी आहूजा जी हैं, युवराज जी हैं, हम सब उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमान अतुल शाह जी, राजेश श्रीवास्तव जी, रूपेश जी, श्रीमान पृथ्वीराज जी कोठारी साहब जी, हाँ श्री रिजवान जी आदित्य, सुभाष चंद्र जी रुणवाल, श्री चंपाला जी वर्धन, श्री सोहन जी कलावत हमारे बीच में है, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और उदयपुर से हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे, श्री सुरेश जी कोठारी, श्री सिद्धार्थ। मैं यहाँ मंच पर विराजमान महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि भगवान महावीर स्वामी की जन कल्याण के इस पूर्व प्रसंग पर हम सभी को अपना पावन मांगलिक देकर आभार करें। एक ऐसा नाम मैं कहता हूँ कि एक माँ का रूप देखते हम लोग हंसा जी में, और आज जो कृपा जो मेहरबानी भैया जी पर जिन्होंने की है, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है बम्बई की पावन धरा पर। जोरदार तालियों के साथ हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हंसा जी योगेंद्र का, और एक स्मृति चिन्ह देकर यहाँ हम लोग हमारे बीच में समारोह गौरव आईएएस जैन साहब यहाँ पर है, मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा यहाँ पर मंच में। श्री हमारे बीच में गुरुमा योग गुरुमा लेखिका रिसर्च डायरेक्टर ऑफ योगा इंस्टीट्यूट विच हैज बीन स्टार्टेड इन 1918 ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड
और ये ऐसी शख्सियत जिन्होंने दूरदर्शन में पहली बार योगा टीवी बेटर लिविंग की शुरुआत की, योगा सूत्र जी टीवी में इनका प्रारंभ हुआ। हम जोरदार तालियों से इनका श्री रिजवान जी आदित्य हमारे बीच में है। श्रीमान सतीश जी सुराना, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए आगे। तालियां बजाकर हम लोग यहाँ अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। श्री प्रमोद जी और यह कांतिलाल जी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मोमेंटो एक प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह हम यहाँ श्री रिजवान जी आदित्य। घर में क्षेत्र में बढ़ाने का जो कार्य केसी जाय साहब ने यहाँ पर मुंबई महानगर में किया है, उसकी ही समस्त देश पर जाती है। हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, तालियों के साथ हम लोग अभिवादन कर देते हैं। आज तो ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान का हर मजहब हर वक्तव्य में इस मंच पर उपस्थित हो गया हो। जोरदार तालियों के साथ हम लोग यहाँ भगवान महावीर उत्सव हम लोग मना रहे हैं। सामने यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बेटा, हमारा सामने यहाँ सामने बंधुओं स्वागत उसका आपको। मैं ये पत्रिका पढ़ रहा था, देखिए अचानक याद आया मुझे आज कितनी तारीख है। आज तारीख संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं और हम लोग बार बार कहते हैं बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे आज हम लोग बना रहे हैं आदरणीय देवेंद्र भाई जी का। एक उड़ते पखेरों ने सबसे पहले तो मैं देवेंद्र भाई जी को अभिनंदन दूंगा इतने बड़े प्रोग्राम का, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे लोग भगवान महावीर को मानते हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी जो ये चैलेंजिंग लाइफ चल रही है, जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, उसमें भगवान महावीर का भी मानना चाहिए। थोड़ा सा फर्क है भगवान महावीर को मानना, साथ में भगवान महावीर का भी मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये प्रोग्राम जो देवेंद्र भाई जी ने ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और उम्मीद करता हूँ लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। आज उनका जन्मदिन भी है। यस, जन्मदिन पे तो उनको जन्मदिन की मुबारकबाद शुभकामनाएं देना चाहिए, वो ही देता हूँ उनको। और बस ऐसे प्रार्थना करता हूँ उनके लिए कि भाई ऐसे ही वो आगे बढ़ते जावे और ऐसे अच्छे कार्य करते जावे और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इससे प्रेरणा मिले, उससे फायदा होवे। बस युवाओं का तो वही बताऊंगा कि जब मैं युवा था तो मैं ईमानदारी के साथ मेहनत करता था और बड़े बड़े ड्रीम्स करता था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना आज के टाइम में अपने आप में भरोसा रखना, खुद पे जो भरोसा है ना तो दुनिया पूरी आपकी मुट्ठी में है। तो वही युवा को मैसेज करूंगा। और आप दूसरी एक चीज है कि आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीजों के ऊपर ध्यान दो, छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी टाइम को वेस्ट मत करो। ये आपकी जो एज है ना वो बहुत बड़ा वरदान है यूथ का, तो जो भगवान की तरफ से योगा भी आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो हमने सुना है चार चार घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा कुछ बताइए दर्शकों को। मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ, जब 13-14 साल का था तब से मैंने शुरुआत की थी। 1 घंटा ध्यान धरता हूँ, उसके बाद प्रेयर्स होती है, देन मैंने जैसे बताया अभी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अपने आप से बातें करना, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त, ऐसे प्रैक्टिस करना, विजुलाइज करता हूँ, मैं बड़े बड़े ड्रीम्स करता हूँ। वो फिजिकल योगा भी 45 मिनट्स एवरी डे करता हूँ, 3 से 7-4 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ। बट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा 4 घंटा मत देना, एटलीस्ट 40 मिनट नहीं तो 4 मिनट तो अपने आप को दो, पता चलेगा। और अच्छी सी कहावत भी है कि वो क्या है, ओके मैं अभी याद आती है तो बताऊं, दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो वरना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। तो आप सब दुनिया के सबसे अच्छे इंसान आप ही हो, क्योंकि भगवान ने खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, आपके जैसा दुनिया में कहीं मॉडल नहीं मिलेगा।
तो आप में बहुत भगवान ने स्ट्रेंथ रखी, उसे फायदा उठाओ। और रिजवान जी, आपके जीवन पे आधारित फिल्म बनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म काफी युवाओं को भा रही है। कल हम एक प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं रिजवान पार्ट टू बनना चाहता हूँ, इस तरह का आवाज उठ रहा है। ओके, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ की जर्नी के ऊपर फुल मूवी बनी है, जो 17 साल मेरे बचपन पोरबंदर में गुजरे है, बाकी 32 साल से मैं अफ्रीका में रह रहा हूँ। तो ये मूवी अफ्रीका में भी शूट हुई है, पोरबंदर में भी हुई है, और पूरी मेरी लाइफ की जर्नी उसके अंदर है, जिसमें यूथ को तो इंस्पिरेशन मिलेगा, बट साथ में जो बिजनेसमैन है, जो उन लोगों को लॉस आती है या डिप्रेस हो जाते हैं, उन लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी, और जो फैमिली है जो यूनाइटेड रहेगी तो हर मुश्किल का सामना करने की उनमें ताकत आएगी। तो ये मूवी सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। नाम रिजवान है, 1-2 महीने के अंदर रिलीज होगी। सबको रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार जरूर देखना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। कोई बड़ी हस्ती आएगी ट्रेलर लॉन्च में दिखाने के लिए? 2 महीने आपका टाइम है, सब आएंगे, कोशिश करेंगे, आप लोग भी आओगे, आप भी बड़ी हस्ती आओ। नहीं नहीं, आप लोग मीडिया वाले से कोई बड़े है ही नहीं। बोलो बोलो, बड़ी हस्ती बाबा रामदेव जैसे लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। इमाम साहब भी देखे, वो बहुत तारीफ किए, वो भी हेल्प करने के लिए तैयार है, तो देखते हैं, टाइम आएगा तो हम सबको इनवाइट करेंगे। आप इतना नहीं काम करते, कभी चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं सब धर्म में मानता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई प्लान नहीं है। मेरे इंटरनेशनल मुझे काम करना है, खाली इंडिया में नहीं है, तो मैं एक जगह पे ब्लॉक नहीं हो सकता। आप लोगों की दुआ रहेगी तो मेरे सारे ड्रीम्स पूरी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। भगवान महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन बिला मातुश्री में हुआ। हम परम पूजनीय श्रीदेव देवनी भाई जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के आचार्य संत मौलवी उपस्थित रहे, सभी जैन समाज की संस्थाओं के प्रमुख लोग उपस्थित रहे, और जो माहौल है वो धर्म प्रिय, शांति प्रिय, और भगवान महावीर तो शांति के दूत हैं, अहिंसा के दूत हैं। जब चारों तरफ हिंसा हो रही है, देश में हो, विदेश में, समाज में हो, आप टीवी पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है, ऐसे में महावीर भगवान के जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, वो बहुत ही समय उपयुक्त है। और आज मैं महावीर भगवान जयंती के पूर्व संध्या पर इस शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबके माध्यम से सभी महावीर प्रेमियों को, भक्तों को शुभकामना देता हूँ। सर, जैसा कि चुनाव का माहौल है, एक बार फिर किसकी सरकार होगी, इस पर क्या प्रकार चलना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो नरेंद्र भाई मोदी जी की होगी, जो उन्होंने 5 साल में इस देश को नई दिशा देने का काम किया। एक तरफ 70 साल है कांग्रेस के, और दूसरी तरफ मोदी जी के 5 साल है। कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जहां पर मोदी जी की नहीं पहुंचे हो, महिलाओं का विकास हो, व्यापारकरण का विकास हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, मुद्रा योजना के माध्यम से बेरोजगारों को सहयोग करने का हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसानों को मदद देने का कार्यक्रम हो, विदेशों में भारत की इज्जत देने का कार्यक्रम। और देखिए, आज विदेशों में वो घूमने का उनका ये फायदा हुआ कि जिस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमाओं पर गर्मी हुई, उस समय पूरे विश्व ने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ, चीन भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी के काम करने की शैली को, उनके प्रयत्नों को, और जिसके कारण आज देश में भारत की GDP 7.6 चाइना से भी आगे, पूरे विश्व में सबसे आगे आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत मायने रखती है, और जिस तरह से मायावती और अखिलेश जी का वहाँ पे गठबंधन है, आजम खान ने भी जयप्रदा के ऊपर टिप्पणी की है, उस टिप्पणी का आपकी क्या प्रतिक्रिया? आजम खान तो बहुत ही गंदा आदमी है, उसकी जमात भी गंदी है, एक महिला के बारे में इतनी नीचे स्तर की टिप्पणी करना, महिला का चरित्र हनन करने की कोशिश करना, और उसमें अखिलेश ना मुलायम सिंह कोई बोले नहीं, तो ये समझ लो कि गैंग है। जब उनका एक व्यक्ति ऐसी गंदी भाषा को महिला के सम्मान के लिए बोलता है, तो
बहुत ही दुख और दुर्भाग्य की बात है। और अकेले से मुला ये तो जेल जाने वाले लोग हैं, आने वाले समय में जेल में जाएंगे, ये कोई सरकार में सत्ता में आने वाले नहीं। यस, उनके कर्म ही ऐसे हैं। मोदी जी आए ना आए, मोदी जी कोई जेल में किसी को भेजने वाले नहीं, उनके कर्म ऐसे है कि वो जेल में जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है माननीय देवेंद्र भाई जी के प्रोग्राम में, महाविरोध प्रोग्राम में यहाँ शामिल होने की बहुत बहुत खुशी है और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। भगवान महावीर के उद्देश्यों की अपने आप में मेरे जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक भूमिका है और मुझे लगता है कि जैनिज्म में और भगवान महावीर के सिद्धांतों में बहुत एक प्रेरणा भी है, ऊर्जा भी है और समाज के लिए बहुत कुछ संदेश हैं। मैं आशा करता हूँ कि देवेंद्र भाई जी ऐसे प्रोग्राम करते रहें और ताकि भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार हो सके। और जन्म जयति शास्त्र, जय जन। देखिए जैन धर्म में बहुत सारे सिद्धांत हैं, मेरी छोटी बहन उसने दीक्षा ली हुई है और मेरे परिवार में जैन धर्म का पूरा पूरा हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और डेली दिनचर्या में भी अपना एक मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं उनको फॉलो करता हूँ प्रिंसिपल्स को। और जीतो के प्लेटफॉर्म पे भी मुझे, मैं चेयरमैन था, प्रेसिडेंट भी था, उसके थ्रू भी हम अपने समाज के काफ़ी कार्यक्रम हम कर रहे हैं और मुझे जैन होने का बहुत बड़ा एक गर्व भी है। और मुझे लगता है कि जैन धर्म अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व को दे रहा है। सर, एक सफल बिजनेसमैन आप हैं, भटकते युवाओं को क्या संदेश देंगे, कैसे वो सही मार्ग पे जाएं, क्या? देखिए जीवन में मुझे लगता है कि प्रिंसिपल्स है या सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है। और बिजनेस के माहौल में आजकल जहाँ पर वर्ल्ड ओवर जो सक्सेसफुल कंपनियां देखेंगे उसमें जो कंपनियां जो नीति पे चलती है, एक प्रिंसिपल्स पे चलती है, सिद्धांतों पे चलती है, उसका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंपनियां प्रिंसिपल पे चलती है वो सबसे टॉप में रहती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने जितने सिद्धांत हैं, वैल्यूज़ है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, उसको फॉलो करें तो मुझे लगता है कि व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों में उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है और सक्सेस का एक बहुत बड़ा जरिया है। प्रधानमंत्री के रूप में डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे और मुझे लगता है कि जनता का उनको बहुत बड़ा एक आशीर्वाद भी है। उनके साथ सबका साथ सबका विकास का एक जो बहुत बड़ा एक कैंपेन है, प्रोग्राम है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी जीत रहेगी। देखिए पार्टी अपने आप में एक है और व्यक्ति अपने आप में है, मुझे लगता है कि देश और पार्टी और फिर व्यक्ति। सबसे पहले मैं, आज मेरा जन्मदिन तो एक संयोग मात है, लेकिन इससे मुझसे भी कई 2.5 साल पहले, 2500 साल से पहले भगवान महावीर की आज पूर्व संध्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस संध्या में, इस संध्या के माध्यम से भगवान महावीर के जो सिद्धांत थे उनको हमारी एक मानववादी एक जो आज का यूथ है उसको हम आज के महावीर होते तो क्या कहते, उसके लिए एक आज एक जन जागरूक और उन भगवान महावीर के संदेशों को आज के युग तक पहुंचाने का हमने एक कार्य की शुरुआत की है, जिसमें हमारे जैनों के जो सबसे बड़े हमारे एक आइकॉन है जैनों के लिए और बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, जो मोतीलाल जी साहब ओसवाल जी और केसी जैन साहब जी, प्रशांत जवेरी जी, सुहांजलि कलावत जी, जिन्होंने और भी कई सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भगवान महावीर के जो संदेश है वो कैसे लोगों तक पहुँचे, इस कार्य के लिए हमने आज ये आगाज किया। और अधिकतर देखा होगा आप लोगों ने, अब सफल होना ये हम लोग आयोजन कर सकते हैं पर सफल होना ये आप लोग बता सकते हैं कैसा रहा कार्यक्रम, ये आप बताइए। आज के कार्यक्रम में बाबा रामदेव और मोहन भागवत जी का भी आना था, हुआ तो हाँ, किन कारणों से नहीं आ पाए इसके लिए? वो मोहन भागवत जी, मेरे पास उनका लेटर आया हुआ था, उन्हें कंफर्मेशन है, मोहन भागवत साहब यहीं पर है अभी, और अब किसी कारण से उनका एक केशव सृष्टि में कोई कार्य, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है उनने, किसी कारण से वो नहीं आ पाए होंगे,
लेकिन उनकी मुझे पहले खबर आ चुकी थी कि मैं हो सकता है कि मैं 3.5 किलो लगाऊंगा, इसलिए बचाना क्या हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन बाबा जी का आना था, पर अभी क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं अभी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे उनकी शुभकामनाएं सबके साथ हैं और सब मिलजुल के कार्य करेंगे। हमारी आज की उत्कृष्ट यही संदेश है कि आज घर में किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके से अपन को आगे कार्य करना है, एक सबसे बड़ा हमें एक लक्ष्य तय करना है कि अपने जीवन में हमें क्या आज का युद्ध क्या चाहता है। आज का युद्ध सिर्फ दो चीज़ें चाहता है, एक पहली चीज़ चाहता है कि अच्छा हम बिजनेस करें, बिजनेस करने के बाद पैसा कमाएं और हम ऐसा आराम की ज़िंदगी जिए। एक युद्ध ये चाहता है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए जो हम जिए और दूसरों को जीने दें, आज का युद्ध भी चाहता है। लेकिन जब ये चाहता है तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें सबसे पहले अपना गोल सेट करना चाहिए, जो ऐसा गोल सेट जो दूसरों के भी लिए हो, खुद के लिए हो, दूसरों के लिए सोचे, वो गोल सेट करें हमें। आज भैया जी का जन्मदिन है, हम पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। आज का जो आयोजन है बहुत कम समय में इन्होंने किया और ये एक अपने आप में एक अलग अद्भुत आयोजन है जो जनरली हमने कहीं ऐसे होते हुए नहीं देखा है। महावीर जन्म कल्याणक सब मनाते हैं, कल वो प्रोग्राम होंगे, पूरी मुंबई में हर सोसाइटी, हर मंदिर, हर संस्था इसका प्रोग्राम करेगी, लेकिन ये इतना एक बहुत अच्छा एक स्टार्ट है और मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो है वो हर साल बढ़ता जाए और एक बड़ा ब्रांड बन जाए कि इसकी मतलब बात हो। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि चलते हुए मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन मुझे आज पता चला कि आज भाई जी का भी जन्मदिन है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं इसमें से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम आयोजन करते रहें और मुझे लगता है समाज को एक अच्छी दिशा देते रहें और उनके स्वास्थ्य की उनसे एफर्ट्स और उनकी संस्थाओं को बहुत बहुत सफलता मिले, मैं यही शुभेच्छा देता हूँ। मैं ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि कल मोतीलाल जी का बर्थडे है, तो हम सब की तरफ से इनके बेटे का बर्थडे, हम सब की तरफ से बहुत बहुत इनको बच्चे को शुभकामनाएं। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा आदरणीय मोतीलाल जी ओसवाल साहब, पहले तो श्रद्धेय देवेंद्र भाई जी को उनकी जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। लेकिन आज सबसे खुशी की बात है कि आज बॉम्बे की हमारे इस कार्यक्रम में जो जो मेहमान आए हैं उनका तहे दिल से सबका साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ कि अगर कोई इंसानियत का मानवता का कार्य करे तो सभी लोग इस तरह की मिलजुल कर कार्य करेंगे तो आज के युद्ध को एक नया एक अनुभव मिलेगा, नया एक विचार मिलेगा और नया कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। संतोष जी के बारे में कुछ कहना चाहिए? संतोष जी बहुत अच्छे मीडिया पीआर हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनके आगामी जीवन के लिए और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।